नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु ये पीछे चल रहे हैं, एक एक करके ट्रेंड इस वक्त जो सामने आ रहे हैं। 24 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 4 सीटें जहां पर ये आंकड़ा बढ़ ही नहीं पा रहा है, 4 पर आकर रुक गया है। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला वो आगे चल रहे हैं, गोहाना से बीजेपी के अरविंद शर्मा पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी ये दिग्विजय चौटाला डबवाली से जेजेपी के पीछे, दुष्यंत चौटाला के भाई वो पीछे चल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला खुद उचाना से पीछे चल रहे हैं। इनका चुनाव बहुत मुश्किल था, सभी लोग ये कह रहे थे। जेजेपी के लिए वैसे ये चुनाव बहुत मुश्किल था 2024 के अंदर। ये एंटी इनकम्बेंसी जो हुई है उसके अंदर एक फैक्टर जेजेपी का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि जननायक जनता पार्टी को लोगों ने ओवरऑल रिजेक्ट करना ही चाहा था, क्योंकि भाजपा और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ था 2019 के अंदर उसको रिजेक्ट करना चाह रहे थे। तो जेजेपी का इस चुनाव के अंदर बहुत मुश्किल है खाता खुलना। दोनों भाइयों का पीछे चलना कोई आश्चर्य नहीं, सरप्राइज नहीं है। आप थोड़े मान सकते हैं दुष्यंत चौटाला का, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर ओवरऑल एक माहौल ऐसा है कि जेजेपी को रिजेक्ट करा जा रहा है, क्योंकि जो वोट पोलराइजेशन हो रहा है वो कांग्रेस के फेवर में वोट पोलराइजेशन। लोगों को लगता है वादा खिलाफी की उन्होंने, वादा खिलाफी की।